आज हम बिल्कुल हलवाई स्टाइल में आलू और पूरी की सब्जी बनाएंगे। बहुत ही जबरदस्त आलू की सब्जी, चटपटे आलू बनाएंगे बिल्कुल पुरानी दिल्ली स्टाइल में। सब्जी का कलर देखिए और इसका टेस्ट इतना अच्छा है जैसे हलवाई बनाते हैं ना, बिल्कुल हलवाइयों जैसी सब्जी है। तो चटपटी सब्जी के साथ हम बना रहे हैं कलरफुल लाल लाल पूरियां। तो आइए बना लेते हैं हलवाई स्टाइल नाश्ता। मैं शिखा भारद्वाज, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। वीडियो शुरू होने से पहले लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए। तो आइए बना लेते हैं बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बहुत ही चटपटे से आलू, और बिल्कुल पुरानी दिल्ली का टेस्ट आएगा उसमें आपको। साथ ही हम बनाएंगे रंगीन लाल लाल पूरियां। तो देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो आलू लिए थे, 1 kg आलू हैं, और इनको मैंने बॉईल कर लिया है पहले से ही। और जब बॉईल करें आप तो फ़ौरन को पानी से बाहर निकाल के रख लें इस तरह से। और यहाँ हमने चुकंदर को भी मैंने बॉईल कर लिया है, बीटरूट को, 2 बीटरूट लिए थे मैंने, बड़े साइज़ के थे दोनों, और कट करके इनको मैंने बॉईल कर लिया है। देखिए, तो 2 बड़े साइज़ के बीटरूट यानी कि चुकंदर थे, इनको मैंने छील के और कट कर लिया इस तरह से पीसेस में, और फिर इनको मैंने बॉईल किया है। तो या तो प्रेशर कुकर में बॉईल कर सकते हैं आप, या फिर किसी भगोने में पानी डालकर बॉईल कर लीजिए। तो या तो आप इसको साबुत ही प्रेशर कुकर में बॉईल कर लीजिए, या फिर छील के कट करिए। मैंने इसे कट करके भगोने में बॉईल कर लिया है, पानी डालकर मैंने इसको 15 मिनट के लिए बॉईल किया था, और ये सॉफ्ट हो गया है। और जिस पानी में बॉईल किया था मैंने, वो पानी मैंने अभी रखा हुआ है, इसे भी यूज़ करूँगी मैं। सबसे पहले अपने आलू को छील लेंगे, बॉइल्ड आलू हैं हमारे, और ये बीटरूट है इसको हम पीसेंगे, चुकंदर को। तो मिक्सी के जार में सिर्फ बीटरूट को डालती हूँ मैं, पानी नहीं डालूंगी इसमें, बस बीटरूट को पीस लेते हैं। तो बीटरूट को तो मैंने डाल दिया है मिक्सी के जार में, इसको हम पीस लेते हैं और इसका एक पेस्ट बना लेंगे हम। और पानी नहीं ऐड किया है बिल्कुल इसके अंदर मैंने, खाली बीटरूट ऐड किया है। और जो जिस पानी में मैंने बॉइल किया था बीटरूट को, ये पानी बचा है देखिए, और सुंदर सा पानी है, इसको हम यूज़ करेंगे डो बनाने में। अब देखिए, हमने इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लिया है। यहाँ हमने 2 कप आटा ले लिया है, और इसमें हम डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। अब मैं इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल देती हूँ, बस 1 चम्मच ऑयल डाल दिया। अब सबको मसालों को और ऑयल को हम मिक्स कर देते हैं आटे में। बस इस आटे में अब हम जो हमने बीटरूट को पीसा था, पेस्ट बनाया था हमने, वो डाल देते हैं। देखिए इस तरह से हमने जो चुकंदर का पेस्ट बनाया था उसे हम आटे में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो अब बिल्कुल क्लीन हैंड से हम अपने इसको आटे को मसल लेते हैं अच्छी तरह से, ताकि चुकंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। देखिए अभी से कितना कलर सुंदर हो गया है इसका। और अब मैं इसमें चुकंदर का जो पानी था जिसमें हमने चुकंदर बॉईल किया था ना, वो डाल देती हूँ, और इसे हम अपना डो बना लेंगे। तो लाल लाल पानी है देखिए, और इसको मिक्स करेंगे, एक हार्ड सा डो बनाएंगे हम, जैसे पूरियों को होता है ना, एकदम हार्ड डो बनाना है हमें। और अब भी पानी कम पड़ेगा अगर, तो मैं प्लेन वाटर ले सकती हूँ थोड़ा सा अगर ज़रूरत होगी तो। और बिल्कुल हार्ड सा डो बना लेते हैं। तो देखिए हमने अपना डो बना लिया है, जैसे पूरियों का होता है ना हार्ड डो, उसी तरह से बनाया है मैंने, और उसी पानी में मेरा डो बन गया है। अब मैं थोड़ा सा ऑयल लिया है हाथ पे, इसके ऊपर से लगा देती हूँ ताकि ड्राई सा ना हो जाए। अब इसे हम रेस्ट करने रख देंगे 10 मिनट के लिए कम से कम। तो इसे ढक देते हैं 10 मिनट के लिए, और अपने आलू चेक कर लेते हैं। तो अब इन आलू को हमने छील लिया है, इनको हम कट कर रहे हैं, इनको हमने पहले ही बॉईल कर लिया था। तो बहुत ही चटपटे आलू बनाएंगे, बिल्कुल पुरानी दिल्ली स्टाइल में बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल हलवाई स्टाइल। तो बस क्यूब्स में कट कर लीजिए इनको, और खूब सारे मसालों के साथ देखिएगा मैं कैसे बनाऊंगी अभी। पहले इन्हें हम कट कर लेते हैं फटाफट। तो अगर आपके आलू बॉईल किए हुए हों पहले से, आपकी बीटरूट बॉईल की हुई हो पहले से, तो ये आलू पूरी बहुत ही झटपट बन जाते हैं। तो यहाँ हमने अपने सारे आलूओं को कट कर लिया है क्यूब्स में, और मैंने इसको एक बड़े से खुले बर्तन में रखा है, ताकि जब इसको मिक्स करूँ मसाले इसमें, तो ये मैश ना हो आलू हमारे बिल्कुल। तो छोटे बर्तन में रखेंगे अगर आप, तो मिक्स करते समय आलू मैश हो सकते हैं, तो इसलिए इस तरह का बर्तन लीजिए जो खुला खुला सा हो, बड़ा सा हो। और अब 1 किलो आलू के हिसाब से डालेंगे मसाले इसमें। तो मैं इसमें 1.5 टीस्पून नमक ऐड करूंगी, तो ये गया 1 टीस्पून, ये 1/2 टीस्पून, तो 1.5 चम्मच नमक डाला हमने। 1/2 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर। अब डालेंगे धनिया पाउडर, तो ये हमें डालना है 1.5 टीस्पून, तो ये हमने डाल दिया 1 टीस्पून धनिया पाउडर। तो ये हो गया 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, तो 1.5 चम्मच धनिया पाउडर मैंने डाल दिया है इसमें।
अब एक चम्मच भर के मैं डाल रही हूँ कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। तो ये लाल मिर्च जो होती है इसका रंग ज़्यादा अच्छा होता है और तीखी कम होती है ये, तो डाल देते हैं एक चम्मच। हाफ टी स्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। अब ऐड करेंगे 1/4 टी स्पून काला नमक। तो इसमें मैं 1.5 चम्मच नमक पहले ऐड कर चुकी हूँ आलू में, अभी 1/4 टी स्पून ब्लैक सॉल्ट ऐड कर दिया। अब देखिए मैं डाल रही हूँ 1 टी स्पून भर के, ये है पुदीने का पाउडर। तो पुदीने को मैंने घर में ही सुखा लिया था और उसको मैंने क्रश कर लिया हल्का सा। तो ये पुदीने का पाउडर डाल देंगे इसमें, ये हलवाई जरूर डालते हैं फ्रेंड्स, इसको मिस मत करिएगा पुदीने का पाउडर। तो देखिए अभी तक मैंने सारे मसाले डाले थे छोटी वाली टीस्पून से, अब मैंने ले ली है बड़ी टेबलस्पून, बड़ी चम्मच ले ली है मैंने, और इससे मैं डाल रही हूँ 1 बड़ी चम्मच चाट मसाला। अब डालेंगे 1 टेबलस्पून, 1 बड़ा चम्मच भर के डाल रही हूँ, ये है भुना जीरा। जीरे को मैंने तवे पर भून लिया था हल्का सा और फिर मैंने क्रश कर लिया है इसको। तो भुना जीरा पाउडर है ये 1 बड़ा चम्मच, 1 टेबलस्पून ये ऐड कर देंगे। तो सारे मसाले हमने ऐड कर दिए, तो अब सारे मसाले तो हमने इसमें ऐड कर दिए। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ खूब सारा हरा धनिया। तो धनिया इसमें कुछ ज़्यादा ही ऐड करेंगे हम। और अब मैंने देखिए 2 हरी मिर्चों को इस तरह चीरा लगा लिया है मैंने, ये भी ऐड कर देती हूँ इसी में। तो अब इन्हें हमें मिक्स करना है, तो किसी स्पैटुला से या फिर किसी बड़ी स्पून से इस तरह से हल्के हाथ से मिक्स करेंगे ताकि हमारे आलू बिल्कुल मैश ना हो। तो हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, और जब आप आलू को बॉईल करें तो ठंडा होने के बाद ही आप इनको छील के कट करिए, नहीं तो बिल्कुल मैश जैसे हो जाते हैं। तो ठंडा करने के बाद इनको क्यूब्स में कट कर लिया हमने और मसाले मिक्स किए। तो देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से इनको उठा उठा के इस तरह से हम पलटेंगे। देखिए ध्यान रखेंगे कि आलू बिल्कुल मैश ना हो हमारे। और जो हमने मसाले ऐड किए हैं इसमें, तो उनको ध्यान से ऐड करिएगा, आप कोई भी मसाला मिस मत करिएगा। तो सारे मसाले आप ऐड करेंगे तभी हमारे जो आलू हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल बहुत ही टेस्टी चटपटे बनेंगे। तो एक बार तो आलू ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। तो बस इनको मिक्स कर लिया है मैंने, अब इनको हल्का सा फ्राई करना है हमें, बहुत ही झटपट बन जाते हैं आलू। अब कढ़ाई गर्म कर ली है, इसमें हम डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल, क्योंकि हम बिल्कुल हलवाई स्टाइल सब्जी बनाने वाले हैं। ऑयल को गर्म कर लेंगे, ऑयल गर्म हो गया है इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। तो जीरा हमारा फ्राई होना स्टार्ट हो गया है, अब डालते हैं 1 टीस्पून सौंफ। डालेंगे 1/2 टीस्पून अजवाइन। अब डालेंगे 1/2 टीस्पून हींग, हींग का टेस्ट में बहुत ही अच्छा लगता है। अब बस मिक्स कर देंगे। तो मसाले हमारे फ्राई हो रहे हैं लो फ्लेम पे। अब हमने खूब सारा करी पत्ता ले लिया है, करी पत्ते को मैं इस तरह हाथ से तोड़ तोड़ के डालूंगी। देखिए इस तरह से तोड़ के डालिए करी पत्ते को, हमेशा हाथ से तोड़ दीजिए फिर डालिए ताकि अच्छा फ्लेवर आए इसका एकदम उभर के। करी पत्ते के साथ ही 2 हरी मिर्च को मैंने चीरा लगाया है, ये डाल देती हूँ। तो बस फ्लेम को लो रखेंगे। और जो हमारे इंडियन मसाले होते हैं ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं, जैसे कि जीरा, सौंफ, अजवाइन ऐड की, हमने हींग ऐड की है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो बस इन्हें हम भून लेंगे हल्का सा। तो फाइनली मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून है ये कसूरी मेथी है 1 चम्मच, ये ऐड कर दूंगी। फ्लेम को बिल्कुल लो रखा हुआ है मैंने ताकि मसाले जल ना जाए हमारे। बस को मिक्स करेंगे, अब फौरन आलू डाल देंगे इसमें। तो बस कसूरी मेथी को मिक्स करते ही हम इसमें डाल देंगे अपने आलू जो हमने मसाला मिला के रखे हुए हैं। और देखिए आलू कितने टेस्टी लग रहे हैं, तो ऐसे ही लग रहा है कि बस ऐसे ही खा लें इन्हें, इतने टेस्टी लग रहे हैं। अभी तो इनको हमने फ्राई भी नहीं किया है, अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो अब आलू को हम मसाले के साथ मिक्स कर लेते हैं, बस हल्के हल्के हाथ से इसको उलट पलट कर लेते हैं आलूओं को, बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं चलाएंगे नहीं तो हमारे आलू मैश हो जाएंगे। देखिए इस तरह से मिक्स कर लेंगे बस हल्के हल्के हाथ से। तो हमने अपने आलू में खूब सारे मसाले ऐड किए हैं। तो फ्रेंड्स कोई भी मसाला मिस मत करिएगा, सारे मसाले ऐड करिएगा आप, तभी हमारे जो आलू हैं बहुत ही चटपटे टेस्टी बनेंगे। और जो हमारे इंडियन मसाले होते हैं जैसा मैं कह रही थी कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं। अभी हमारा धनिया, हल्दी, जीरा, सौंफ, अजवाइन जो हमने ऐड किए, हींग ऐड की है, सभी कुछ हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो बस इसको हम उलट पलट कर लेते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पे, और आलू हमारे बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। तो बस 2 से 3 मिनट मैंने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लिया है, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। और देखिए इसकी रंगत और जो स्वाद है वो तो लाजवाब है। तो आपका एक बार तो इसको ट्राई करना बनता है फ्रेंड्स। तो हमारे आलू भून चुके हैं, अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 नींबू का रस डालूंगी। तो इस तरह से नींबू निचोड़ देती हूँ ऊपर से मैं,
और हमने जो एक किलो आलू के हिसाब से जो हमने मसाले डाले हैं इसमें बिल्कुल परफेक्ट है वो एक किलो आलू के हिसाब से। तो नींबू का रस ऐड करने के बाद इसको हल्के हाथ से हम एक बार मिक्स कर देंगे बस, और आलू हमारे बिल्कुल तैयार हैं। तो आलू बिल्कुल तैयार है, इसे रखते हैं साइड पे, अब पूरियां बना लेते हैं। तो आलू तो हमारे तैयार हो गए हैं, आइए अपना आटा चेक कर लेते हैं। मैंने हाथ पे थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और मैं आटे को एक बार और मसल लेती हूँ अच्छी तरह से। हमारा आटा बिल्कुल सेट हो चुका है, जितनी देर में हमने आलू भुने हमारा आटा सेट हो गया है। अब इसकी हम छोटी छोटी रोइयां बना लेंगे हम आटे में से, देखिए इस तरह से, जितनी बड़ी पूरी बनानी है। और इसकी बॉल्स बना लेते हैं इस तरह से। अब हम हल्का सा ऑयल टच करेंगे और अब इसको हम बेलेंगे। तो हम पतली पतली पूरी बेलेंगे, ऑयल हमने रख दिया है गर्म होने के लिए, तो बहुत ही आराम से आपसे ये पूरी बेल जाएगी क्योंकि आटा हमारा बिल्कुल सेट हो चुका था अच्छी तरह से। तो बस बेलते हैं और फ्राई करते हैं। बस इस तरह से अपनी पूरियां बेल के हम तैयार कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो अच्छे तेज गर्म ऑयल में हम अपनी पूरी डाल देंगे। तो बस इसको हल्का सा प्रेस करिए तो पूरी आपकी फूल जाएगी, देखिए इस तरह से हल्का सा प्रेस किया मैंने, पूरी फूल गई। बस इस तरह से आप सारी पूरियां बना लेंगे अपनी। तो बस इस तरह से अपनी पूरियां निकाल लूंगी मैं और इसी तरह से अपनी बाकी पूरियां भी हम फ्राई कर लेंगे। तो बहुत आराम से बन जाती हैं पूरियां, हल्का सा प्रेस करिए तो आपकी पूरी फूल जाएगी। बस इसी तरह से हम अपनी सारी पूरियां फ्राई करके निकाल लेंगे, ये देखिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब बिल्कुल तैयार है हमारी बेहद टेस्टी हलवाई स्टाइल चटपटी आलू की सब्जी और बहुत ही सॉफ्ट सी पूरियां। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए हमारी पूरी कितनी सॉफ्ट है, हम फोल्ड कर रहे हैं, बिल्कुल मुलायम सी पूरी है हमारी। तो ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता है फ्रेंड्स, जब संडे या कभी आपको स्पेशल नाश्ता बनाना हो या आपको सफ़र पे लेके जाना हो या लंच बॉक्स में देना हो, हर तरह से बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। एक बार तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये चटपटे आलू और सॉफ्ट सी पूरी बहुत ही टेस्टी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं फिर मिलूंगी आपसे टेस्टी रेसिपी के साथ। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।